अध्याय दो। 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तितुस को भी साथ ले गया, और मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाश के अनुसार हुआ, और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूं उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उन्हीं को जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी समय की या अगली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। परंतु तितुस भी जो मेरे साथ था और जो यूनानी है, खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से खुश आए थे, कि उस स्वतंत्रता का जो मसीही यीशु में हमें मिली है, भेद लेकर हमें दास बनाएं। उनके अधीन होना हमने एक घड़ी भर ना माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे, वे चाहे कैसे ही थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उनसे जो कुछ भी समझे जाते थे, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पत्रस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। क्योंकि जिसने पत्रस से खतना किए हुओं में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंभे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को दाहिना हाथ देकर संग कर लिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं, और वे खतना किए हुओं के पास। केवल ये कहा कि हम कंगालों की सुधि ले, और इसी काम के करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था। पर जब कैफा अंताकिया में आया, तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वो दोषी ठहरा था, इसलिए कि याकूब की ओर से कितने लोगों के आने से पहले वो अन्य जातियों के साथ खाया करता था। परंतु जब वे आए, तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे उनसे हट गया और किनारा करने लगा, और उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहां तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। पर जब मैंने दे और उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया यहां तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कह दिया कि जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों की, पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा कि जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों की नाई चलता है और यहूदियों की नाई नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों की नाई चलने को क्यों कहता है? हम तो जन्म के यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं। तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी मसीही यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीही पर विश्वास करने से धर्मी ठहरें। इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले, तो क्या मसीही पाप का सेवक है? कदापि नहीं। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता हूं, तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। मैं तो व्यवस्था के द्वारा
व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीही मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर पर है जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीही का मरना व्यर्थ होता।